पलामू जिले में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की हो रही ऐतिहासिक बैठक के समापन दिवस के मौके पर जहां तय किए गए 13 सूत्री राजनीतिक कार्ययोजना को मूर्त रूप देने के अहम फैसले लिए गए, मिशन 2019 विधानसभा चुनाव पर ध्यान केंद्रित किए जाने पर बल दिया गया, वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी दल भाजपा के निशाने पर राज्य विधानसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा रही। प्रतिपक्ष नेता हेमंत सोरेन पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाए जाने के साथ विकास कार्यों को लेकर भाजपा अपनी पीठ भी थपथपाती नजर आई। दिन रविवार की सुबह 10:30 बजे बैठक के अंतिम दिन की कार्यवाही प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा के उद्बोधन के साथ प्रारंभ हुई। पार्टी संस्थापक व महान राष्ट्रवादी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों और सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने के लिए 5,000 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने पर बल दिया गया। कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री रघुवर दास के अलावे राज्य के सांसद, पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी और कई जिलाध्यक्ष भी शामिल हुए। इस दौरान ज्वलंत मुद्दों यथा CNT SPT एक्ट, स्थानीय नियोजन नीति के साथ साथ तय कार्य योजनाओं को बूथ स्तर तक ले जाने और उसे गति प्रदान करने पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई और रणनीति के तहत कार्य योजनाओं को अमलीजामा बनाने की जरूरत पर विशेष फोकस किया गया। बैठक के उपरांत नगर विकास विभाग मंत्री CP सिंह ने कहा कि शासन व्यवस्था पूर्व की तुलना में अब बेहतर स्थिति में है। सरकार के लगभग 3 वर्ष की अवधि निकल जाने के बावजूद भी उन्होंने चरमराई तंत्र को दुरुस्त करने की बातें कही। होल्डिंग टैक्स, खास महल लीज नवीकरण सहित अन्य मसलों पर उन्होंने समीक्षा करने का आश्वासन भर दिया, जबकि फेज 2 जलापूर्ति योजना में गति बढ़ाए जाने की वचनबद्धता दोहराई। नया का बात नहीं है, राजनीतिक तो चलती है केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक। राजनीतिक प्रस्ताव के अंतर्गत कई चीजें हैं जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं और उसी को लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म शताब्दी समारोह चल रहा है, 1916 से 2016, उसको हम लोग एक साल तक ले जा रहे हैं। संगठन को कैसे बनाना है, हमारे पूर्णकालिक कार्यकर्ता कैसे देंगे, 6 महीने के लिए समय देंगे, हमारे जो 1 साल के लिए देंगे, हमारे 24,813 बूथ हैं उन बूथों तक हमारे कार्यकर्ता कैसे पहुँचे, इसके लिए प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन 12, 13, 14 को अभी हमारे मधुबन में हो रहा है, जो उनका होगा। फिर हम प्रशिक्षण जिला स्तर में विधानसभा स्तर पर, एक विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जितने हमारे मंडल होंगे, यानी हमारे मंडल के स्तरीय कार्यकर्ता होंगे, जो हमारे सक्रिय सदस्य हैं उनका प्रशिक्षण शिविर होगा, फिर जिला स्तर पर होगा, फिर हमारा प्रदेश स्तर पर होगा। तो इस दिशा में हमारे राजनीतिक प्रस्ताव आए हैं और जो विपक्ष पर भी इसके अंदर एक कहा गया है कि भाई विपक्ष हमारे सभी कामों में रचनात्मक सहयोग नहीं करके बल्कि विध्वंसक काम कर रही है, लोगों को बरगलाने का काम कर रही है। इस पर भी हम लोगों ने अपना एजेंडे के अंदर इस बात को रखा है और उससे कैसे निपटना है हमारे कार्यकर्ताओं को, क्योंकि हमारा वार्ड स्तर से लेकर हमारे बूथ स्तर से लेकर और प्रदेश स्तर तक हमारी शक्तियाँ बनती है, तो सब तक हमारे प्रत्येक मंत्री हो चाहे प्रदेश का नेता हो, सबको एक एक बूथ पर जाना है। इसकी बड़ा योजना वो हम लोग कार्यों को दिए हैं और यहाँ पर राजनीतिक प्रस्ताव के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को सशक्त बनाने की दिशा में एक प्रमु की धरती मेदनी नगर से यह जाएगा और हम इनका पत्थर साबित होगा, मुझे ऐसा लगता है। वहीं भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि झारखंड ऐसा पहला प्रदेश है जहां पर गांव की योजना का चयन गांव वाले ही मिलकर करते हैं। कहा कि सरकार विकास की रोशनी सभी घरों तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। पार्टी कई स्तर से कार्यकर्ताओं को शिविर के माध्यम से प्रशिक्षित कर विकास योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का कार्य करेगी। कहा एक राष्ट्र एक कर के तहत GST को लागू किया जा रहा है। 30,000 बूथों तक पहुँचने का हमारा लक्ष्य कहते हो, हम आगामी विधानसभा के चुनाव के दृष्टिकोण के कमजोर पड़ने वाले मंडल में पार्टी का फोकस कैसे हो, कैसे आने वाले विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में जो कमजोर पड़ने वाले विधानसभा है वहाँ पर पार्टी और कैसे मजबूत हो और इस
दृष्टिकोण से पार्टी ने कार्य योजना बनाया है, इस कार्य समिति में कार्य योजना बनाया गया है। मैं संगठनात्मक मजबूती दिला करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मानव एकात्मवाद और आंदोलन के सपनों को पूरा करना चाहता हूँ। इस दृष्टिकोण से पार्टी ने 5,000 ऐसे कार्यकर्ताओं का निर्माण करने की योजना बनाया जो सभी पंचायतों पर जाकर के बूथों के लोगों से मिलकर के पार्टी के सैद्धांतिक अधिष्ठान को पहुंचाने का काम करेंगे और साथ ही साथ केंद्र और राज्य की सरकार के कार्यक्रमों की योजनाओं को जनता तक ले जाने का संकल्प लेंगे। इसलिए 5,000 कार्यकर्ता का हम लगातार हम उनकी योजना बना रहे हैं, साथ साथ ऐसे 100 कार्यकर्ता जो हर विधानसभा में जाकर के एक वर्ष अपने पूरे जीवन का पार्टी के हित में, इस राज्य के हित में और हमारी जो सैद्धांतिक पृष्ठभूमि है, ऐसे 174 कार्यकर्ताओं की चुनती अभी तक बन चुकी है जो 6 महीने तक का भी समय। इसलिए कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 5,000 जो 15 दिन समय देकर बूथों पर जाएंगे और कम से कम 115 लोग एक वर्ष समय देने का काम करेंगे, 174 लोग 6 महीने का समय देकर संगठन के विस्तार में अपना योगदान देंगे। प्रदेश अध्यक्ष के उद्बोधन के साथ आज की बैठक प्रारंभ हुई है और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के उद्बोधन में पार्टी के सैद्धांतिक विचारों को ले जाने का संकल्प दिलवाने का काम किया है और इस प्रकार से हम केंद्र और राज्य सरकार हमारी उपलब्धियां कर रही है इस राज्य के लिए, देश के लिए, इनको भी बताने का काम किया है। साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष ने विपक्ष की नकारात्मक राजनीति संदर्भ में उन्होंने उल्लेख करते हुए बताया है कि किस प्रकार से वो राज्य की जनता को विभ्रमित करने का काम कर रहे हैं, उसको भी आम जनता के बीच ले जाने का उन्होंने मार्गदर्शन देने का काम किया है। इसके अलावा इस बैठक में GST जो आर्थिक सरलीकरण का जो हमारे राजनीतिक प्रस्ताव के अंग भी है कि GST के माध्यम से भारत की सरकार और राज्य की सरकार ने आर्थिक सरलीकरण का जो दिशा में पहल की है उसका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। दूसरी ओर जहां पिछड़े आयोग को संवैधानिक और न्यायिक दर्जा देने के लिए राज्य और केंद्र सरकार ने पहल की है उसका भी हम स्वागत हम लोगों ने किया है। केंद्र की कल्याणकारी योजना, राज्य की कल्याणकारी योजना जो लगभग बड़ी संख्या में तुम बताने का समय कम है, कल्याणकारी योजना की जनता के बीच जा रही है, जोहार योजना हो, राज्य के विकास में खर्च करने वाला देश का अव्वल राज्य, आज तक आप सबको जानते हैं कि झारखंड में 33%, 34%, 35% बहुत होता था तो 40% खर्च होते होते वो समय सीमा समाप्त हो जाती थी, लेकिन पहली सरकार है कि 95% बजट का खर्च राज्य के हित में, नागरिकों के हित में किया गया है। और साथ ही साथ इसको हम कह सकते हैं अलग अलग जेंडर बजट का भी प्रावधान राज्य की सरकार की ओर से हुआ है और इस नौजवान को, बेरोजगार को किस प्रकार से इसको नियोजित किया जाए, ये पहली सरकार है कि किसी के फैसले लिए गए। और जहाँ तक गढ़वा और पलामू और ऐसे कई जिलों के संदर्भ की बात है, हम लोगों कार्य समिति ने सरकार के सामने संज्ञान दिलाने का काम किया है और राज्य सरकार भी गंभीरता से, संवेदनशीलता से हमारे मुख्यमंत्री जी ने कुछ
को स्वीकार करते हुए कहा है कि कानून के हर पहलुओं को विचार करते हुए उचित निर्णय जल्द से जल्द लिए जाएंगे, जिससे यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय निवासी हैं, यदि उनके मन में कोई पीड़ा है तो उस पीड़ा का भी निराकरण राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार सबका साथ सबके विकास के साथ काम कर रही है। हर कोई अपना है, दलित है, पीड़ित है, चाहे वो अनुसूचित जनजाति का है, चाहे वो खगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे ग्रामवासी हो, चाहे शहरवासी हो, सबका विकास का संकल्प राज्य सरकार के पास है, रघुवर दास के नेतृत्व के पास है। आज हम अपनी ओर से आप लोगों को खूब बधाई देते हैं कि दो दिन के कार्य समिति की बैठक में आप लोगों ने भरपूर हम लोगों को सहयोग देने का काम किया। वही विधानसभा में सत्ताधारी दल के मुख्य सचेतक राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि भाजपा नीत सरकार जन आकांक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास कर रही है। कहा कि विधानसभा, उच्च न्यायालय का नया भवन और हज हाउस का निर्माण कराया जा रहा है। कहा कि पलामू प्रमंडल के सूखी जलाशयों को सोन नदी से पानी को लिफ्ट कर भरा जाएगा। इसके लिए परियोजना की आधारशिला भी शीघ्र ही रखी जाएगी। पूरा होने के राह पर चल पड़ा। फिनेंशियल मैनेजमेंट हमारा बहुत बढ़िया है। ये लीडरशिप पार्टी संगठन की सोच है और हमारे लीडरशिप की सोच का ही परिणाम है। जब श्री रघुवर दास की सरकार 2014 अंत और 15 के प्रारंभ की बात करें तो 2015-16 का जो हमारा बजट था वो 54,000 करोड़ रुपये का था। 2016-17 का जो बजट था वो 63,000 करोड़ रुपये का बजट हुआ और 2017-18 जो करंट फिनेंशियल ईयर है ये लगभग 73,000-75,000 करोड़ रुपये का बजट। फिनेंशियल मैनेजमेंट की बात मैं कर रहा था कि तीनों फिनेंशियल ईयर के बजट को आप देखेंगे तो अब तक की पूर्ववर्ती सरकार ने 9 पर ये कार्य समिति हो रहा है और हम यहाँ खुद पलामू से हैं, हमारे विधायकगण पलामू से हैं। हम लोगों ने आभार व्यक्त किया कि उन्होंने कार्य समिति की बैठक का वैल्यू पलामू को डिसाइड किया है। ये भारतीय जनता पार्टी पलामू प्रमंडल के भारतीय जनता पार्टी के लिए गौरव की बात है और हम लोगों ने ये प्रॉमिस किया है आज मंच पर कि जो प्रतिष्ठा पार्टी ने और सरकार ने दी है वैन्यू में। हमारे महामंत्री जी ने कहा कि राज्य सबका साथ सबका विकास, तो ये पहला अवसर है कि जेंडर बजट, एग्रीकल्चर बजट अलग से आया,